हेलो, हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स में, उसका एक लेक्चर देख लिए थे जिसमें हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग डायमेंशन निकालना सीखेंगे, तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए और देखिए कैसे डायमेंशन निकालते हैं। अभी तक फर्स्ट लेक्चर इसका नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, वो जाके देख लीजिए। और फिर इस लेक्चर के बाद आपका यूनिट एंड डायमेंशन में जितना भी प्रॉब्लम है सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं, ठीक है। पहला चीज, यूनिट यूनिट पूरा अच्छे तरीके से उसमें बताए हुए हैं। एक चीज आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, कुछ चीजों का यूनिट आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, ऐसा यूनिट, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, लेंथ का, ठीक है। किस चीज का, लेंथ का आपका हमेशा याद रखना पड़ेगा। दूसरा चीज है मास का रखना पड़ेगा, वॉल्यूम का, ठीक है। फिर आपका करंट का, टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर का, ठीक है। और आपका एक दो और होता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमको उम्मीद है कि आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। इतने चीज का आप लोग को याद होगा। एक चीज और आप लोग ले लीजिए, इंटरसिटी का, ल्यूमिनियस इंटरसिटी भी रहेगा या इंटरसिटी का, ठीक है। इतना चीज मतलब 1 2 3 4 5 6 7 बेसिक आपको 7 चीज का यूनिट हमेशा याद रहना चाहिए। मात्रक आपका 7 चीज का हमेशा याद, हिंदी वाले चिंता ना करें, 7 चीज का मात्रक हमेशा याद रहना चाहिए। लेंथ मतलब हो गया बोगा लंबाई, मास मतलब आपका हो गया द्रव्यमान, वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम आपका हो गया आयतन, करंट हो गया धारा विद्युत धारा, टेम्परेचर हो गया ताप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया सब्सटेंस को गिनने के लिए जो अमाउंट को हम लोग यूज करते हैं, इंटरसिटी का हो गया तीव्र ज्योतिता, ठीक है, ज्योति को जो हम लोग करते हैं यूनिट लिखते हैं। तो लेंथ का क्या होगा, जल्दी जल्दी जो पिछला वीडियो देखे हैं उनको पता चल गया होगा। लेंथ का क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलिएगा आप लोग, मीटर होगा। मास का क्या होगा, केजी होगा, ठीक है। वॉल्यूम का क्या होगा, आपका लीटर होगा, एल से लिखते हैं। करंट का क्या होगा, एम्पियर होगा, हम सिर्फ वॉट लिखेंगे। टेम्परेचर का क्या होगा, केल्विन होगा, जिसको हम लोग के से लिखते हैं, ठीक है। आपका इंटरसिटी का क्या होगा आपका, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो कैंडेला होता है, कैंडेला, ठीक है, कैंडेला होता है जिसको हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं। और इसका क्या होता है, मोल होता है, MOL, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग ले लीजिए, ठीक है, इतना चीज आप लोग को हमेशा ध्यान रहना चाहिए, इतना चीज हमेशा आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। चलिए, क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, चमक नहीं उतना रहा होगा, चलिए क्लियर है। तो अब हम लोग इसी के मदद से डायमेंशन निकालना सीखेंगे अच्छे से, फोन में अच्छे से देखिए। इतना चीज पिछला जो था आपका उसको हम रिकैप कर लिए, अब ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए डायमेंशन निकालना सीखेंगे, थोड़ा इरेज कर देते हैं आप लोग को। ऐसे आप लोग का कॉलेज में पढ़ाई चल रहा है नहीं चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं, आप यहाँ देखते हैं ये पढ़ के भी आपको सफिशियंट मार्क्स, ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक में 750 में 750 मार्क आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट टाइम का बात हम कर रहे हैं। तो देखिए डायमेंशन निकालने के लिए आपको इतना चीज का यूनिट याद रखना चाहिए और कुछ कुछ बातें, ठीक है, कुछ कुछ बातें आप लोग को याद रखना चाहिए। मास को हम लोग डायमेंशन में, ठीक है, मास को हम लोग डायमेंशन में क्या से डिनोट करते हैं, लेंथ को हम लोग डायमेंशन में क्या चीज से डिनोट करते हैं, ठीक है, मास को, लेंथ को, ठीक है, क्या क्या हम नोट्स बनाए हुए हैं। टाइम को, टाइम नहीं लिखा था, टाइम का सेकंड होता है यूनिट, ठीक है, भूल गया था, टाइम का सेकंड होता है। केल्विन को, ठीक है, या थीटा को, ठीक है, टेम्परेचर मतलब, टेम्परेचर हम सबका नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हुए हैं जो रखे हुए भी हैं, वो नोट्स आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए, ठीक है। और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, उसको तो सी डी से ही करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो मास को हम लोग क्या से करते हैं, एम से करते हैं, क्या से डिनोट करते हैं, एम से, और इसका ऐसे करके ऐसे मुंह बंद कर देना है, ठीक है। लेंथ को क्या करते हैं, डायमेंशन में क्या फिट करते हैं इसको डिनोट, ये समझिए, ठीक है, नहीं समझ रहा, डायमेंशन जब हम बनाएंगे तो इसको इसी चीज से हम लोग लिख सकते हैं, हिंदी में समझिए, इसको इसी चीज से हम लोग लिख सकते हैं। टाइम को क्या से लिखेंगे, टी से लिखेंगे।
आपका टेम्परेचर को केफ लिखेंगे क्योंकि इसका यूनिट के होता है, और नहीं तो थीटा से लिखेंगे, इसको थीटा पढ़ते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े होंगे टेंथ क्लास में, थीटा से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, मोल। ठीक है, इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ये डायमेंशन में इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, डायमेंशन इसको हम लोग डायमेंशन में लिखते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे आपको मीटर को डिनोट करना रहता है, समझिए नहीं समझे तो मीटर कहीं आपको लिखना है तो आप क्या लिखते हैं, सिर्फ एम लिख देते हैं, फिर एम लिख देते हैं। इसी प्रकार हम लोग अगर मास को हमको डिनोट करना रहता है डायमेंशन में तो एम से लिखते हैं, इसे यूनिट में डिनोट करना रहता है तो केजी से लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग डायमेंशन बनाने के लिए पूरा रेडी हैं, हम लोग हर बेसिक चीज को सीख गए हैं, ठीक है, अब हम लोग डायमेंशन का बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग बनाने के लिए अब रेडी हो चुके हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ये सबका पीडीएफ आपको एकदम मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, नहीं ज्वाइन किए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो टेलीग्राम पे जाइए कुंदन स्टडी सर्च मारिए मिल जाएगा। देखो बाबू आपको सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए, हम ये कहेंगे सपोर्ट बनाए रखिएगा, इस बात को आप लोग जान जाइए कि होल सिलेबस हम कवर करवा देंगे, होल सिलेबस कवर करवा देंगे, प्लस आप लोगों को क्या सपोर्ट बनाए रखना है, अब सब बिल्कुल फ्री करवाएंगे, चिंता नहीं करना है कि सर पैसा ले लीजिएगा क्या, बिल्कुल फ्री करवाएंगे होल सिलेबस, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए, और जिसके पास आप पेड पढ़िएगा उससे कम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। जिसके पास आप पेड पढ़िएगा, पेड क्लास दे के पढ़िएगा, पैसा दे के पढ़िएगा, उससे हम फ्री में उसे अच्छा पढ़ा देंगे, या उनसे बेहतर अगर भूल चूक भी रहेगा तो आप लोग मेरे परिवार के हिस्सा है उसमें आप माफ़ कर सकते हैं, या आप हमको सजेशन दे सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि आपको अच्छा पढ़ाया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, मेरा हमेशा प्रयास ही रहता है फ्री ऑफ एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो फ्री कॉस्ट में, ठीक है। चलो ये प्रयास हमेशा निरंतर जारी था है और रहेगा, ठीक। तो इतना चीज तुम लोग समझ गए। अब देखो जैसे तुमसे कोई कह दिया कि वेलोसिटी एकदम इजी बता रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी का आप लोग निकालो, वेलोसिटी का क्या निकालो, निकालो हिंद क्वेश्चन दे देते हैं पूरा बना के, फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, बेग, हिंदी वाला डरो मत, बता देते हैं इसको हिंदी में क्या कहें, बेग का बीमा निकाले, डायमेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं, बीमा, बीमा ज्ञात करें, और तुमको कोई कह दिया तुमको ज्ञात करना है वेलोसिटी का, बेग का, बेग वेलोसिटी, वेलोसिटी का कोई तुमसे कह दिया, हमको उम्मीद है कि तुम लोग को दिख रहा होगा, चलो दिख रहा है। चलो तो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट, टेंथ क्लास में पढ़ना है प्लस आपको बेसिक में भी पढ़ना है, ठीक है, ये सब तो आपको याद रहना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं याद है फर्स्ट लेक्चर में बोले हैं तो प्रॉब्लम होगा बाबू, ऐसे हम दे देंगे ये सब का डायमेंशन जो तुम पढ़ के भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन बनाना सीख जाओगे तो तुमसे कोई भी देगा तो तुम बना दोगे। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है हिंदी, विस्थापन, विस्थापन बटा समय, ठीक है, विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन, विस्थापन होता क्या है सर, सर आप तो हमको सिर्फ मास का सिखाएं, लेंथ का सिखाएं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिखाएं, वॉल्यूम का सिखाएं, करंट का सिखाएं, विस्थापन का नहीं सिखाएं, टाइम का तो सिखाएं है सर, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, लेकिन विस्थापन होता क्या, विस्थापन बाबू डिस्टेंस को ही तो कहते हैं, लेंथ को ही तो कहेंगे, लंबाई, कहीं दूरी तय करना, तो दूरी क्या में तय होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले डिस्प्लेसमेंट का तुम लोग परिभाषा जानते हो, कम डिस्टेंस कवर करना या शॉर्ट तरीके से अपने मंजिल तक पहुंच जाना, ठीक है। देखो ये मानो पॉइंट ए है, ये पॉइंट मानो बी है, हमको यहाँ रोहन जो है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, रोहन जो है ए से बी जाना चाहता है, तो ये सीधा चल गया, ये हो गया आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ऐसे करके टेढ़ा करके शॉर्ट करके चल गया, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो दोनों में तो दूरी ही कवर करेगा, तो दूरी का क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, तो मीटर बटा सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी बराबर हम लोग लिख सकते हैं मीटर बटा सेकेंड, लिख सकते हैं कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, मीटर यूनिट, और टाइम का सेकेंड।
अब मीटर को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, मीटर को हम डिनोट करते हैं एल से। अब देखो, अब डायमेंशन लिखाना सीखो। एल, तो एल यहां एगो है पावर वन। फिर सेकंड को क्या से डिनोट करते हैं, टी से, टी, और ये नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस वन। और यहां एम है, एक चीज तुम लोग एकदम क्लियर कर दो जिसमें मास रहे या ना रहे, देखो यहां लिख देते हैं मास रहे या ना रहे उसमें एम देना है, अगर ना रहे तो एम बराबर जीरो। यहां कहीं भी केजी का लिखा हुआ है, मास के बारे में लिखा हुआ नहीं, कहीं केजी का यूज पड़ेगा, देखो तो डिस्प्लेसमेंट मीटर इज सेकंड, कहीं भी तो एम बराबर क्या हो जाएगा जीरो। इसको बंद कर दो, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इधर लिख दें, इधर लिख दें, दिख रहा है, हाँ एकदम दिख रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं एम बराबर जीरो, एम आगे रखना, ठीक है, एल बराबर एक को खाली एल लिख सकते हैं, अरे आठ के पावर एक को सिर्फ आठ लिख सकते हैं ना, वैसे एल के पावर एक को एल लिख सकते हैं टी पर पावर माइनस एक। हो गया इसका डायमेंशन, समझ आया, समझ आया, 50-50 आ गया फिर थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा अगला क्वेश्चन में समझ जाओगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, या उतारना है तो वीडियो बंद करके, यही कारण रिकॉर्डेड देते हैं, बंद करके भी उतार सकते हो, उतार लो, चलो बंद करके उतार लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन तुम लोग को हम दे रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, बोर्ड छोटा होने के कारण, कोरोना के कारण ऑफलाइन कोचिंग सब बंद के कारण घर पर ही पढ़ाना पड़ता है, इसके कारण बोर्ड छोटा है। चलो अगला क्या है आपका, अगला तुम लोग देखो एक चीज को याद रखना, फोर्स का, फोर्स का भी याद कर सकते हो, तो एक्सेलरेशन का भी देते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन का जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण, आधा त्वरण, ठीक है, त्वरण। तो एक्सेलरेशन का तुम एक फॉर्मूला पढ़े होगे, एक्सेलरेशन का क्या पढ़े होगे, एक फॉर्मूला पढ़े होगे, जिस फॉर्मूला में पढ़े होगे मीटर बाय मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, ठीक है, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला पढ़े होगे, नहीं तो पढ़े होगे पहले बचपन से ही पढ़ते होगे, वेलोसिटी बटे टाइम, ऐसे फॉर्मूला का पीडीएफ भी हम दे देंगे, ठीक है, पीडीएफ दे देंगे फॉर्मूला का, ठीक है, वेलोसिटी बटे टाइम, वेग बटा समय, ठीक है, ये पढ़े हो गई इजी चीज, हम पहले भी बोले हैं कि फॉर्मूला याद रखना, पीडीएफ इसे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, इस लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा ऐसे ही पीडीएफ डाला जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला देखिए वेलोसिटी बटा टाइम, वेलोसिटी का आप लोग एसआई मात्रक अभी बताया है, वेलोसिटी को किस में दर्शा सकते हैं, वेग को हमेशा दर्शाएंगे मीटर में, कॉमन सेंस की बात है मीटर, और टाइम को सेकंड, एक्सेलरेशन है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पहले कैसे लिखेंगे तुम लोग लिखो, तो कैसे लिखेंगे, एम यहाँ कहीं है तो नहीं, एम बराबर क्या हो जाएगा जीरो, लेंथ क्या है एक है मीटर, लेंथ बराबर क्या हो जाएगा वन, और टाइम ऊपर जाएगा तो माइनस टू। हो गया इजी 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 पीजी, हो गया कि नहीं हो गया इजी, तुम ही बताओ इजी हो गया कि नहीं इजी, अब तो समझ गया होगा हमको पूरा उम्मीद है। फिर से बताते हैं वेलोसिटी बटा टाइम, वेलोसिटी को हम लोग मीटर बाय सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ मास कहीं नहीं है तो एम बराबर जीरो, लेंथ एक है तो लेंथ बराबर वन, और टी ऊपर जाएगा तो माइनस टू, ठीक है, क्लियर, सभी का क्लियर आंसर आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एल बटा वन भी लिख सकते हो, नहीं तो एल खाली एल लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, बच्चे का कॉमेंट आ रहा है कि सिर्फ एल लिख सकते हो, नहीं एल बटा वन भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। चलो तो कुछ कुछ का डायमेंशन एकदम पट 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 निकाल जाएगा, एकदम पांचों का पांचों लिख रहे हैं बोर्ड पे, हड़ हड़ एकदम तुरंत निकाल जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका पीडीएफ भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल सॉरी। तो देखो एकदम लिख रहे हैं, पहला चीज एकदम पूछने वाला सेमेस्टर का ही बुक, प्रेशर, प्रेशर का दो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, प्रेशर को हिंदी में दाव कहते हैं, दाव, हिंदी वाला गुफा जाएगा कि सर आप हम लोग पर ध्यान नहीं देते। चलो अगला क्या है, सरफेस टेंशन भी पूछता है हमेशा, पृष्ठ तनाव,
क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। ठीक है, थर्ड ले लो तुम लोग जल्दी जल्दी एकदम आपका। कहाँ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, गैस कांस्टेंट नहीं ज्यादा हाई हो जाएगा लोग के लिए। इम्पल्स, हाँ इम्पल्स ले लो, इम्पल्स ले लो। चलो पहले फोर्स ले लो तब इम्पल्स लेना, फोर्स बल, फोर्स को हिंदी में बल कहते हैं, बल। फिर इम्पल्स, ठीक है, इतना चीज तुम लोग का हो गया। ठीक है, ये चार चीज अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है हम अभी निकाल रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, प्रेफर है। ठीक है, पहला क्या है आपका, प्रेफर है। प्रेफर का पहले तुम लोग देख लो, प्रेफर का हम लोग को डायमेंशन निकालना है। प्रेफर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, सब लोग जानता है एकदम, बचपन से पढ़ा है सब, अभी सब में दिक्कत होता है तो दिक्कत है बाबू, फोर्स बटा एरिया। अब यहाँ फोर्स आ गया तो पहले फोर्स का निकालेंगे तब करेंगे। ठीक है, पहले फोर्स का कर लेते हैं, क्या है क्यों ईजी हो जाएगा। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, पहले फोर्स निकालते हैं। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, जल्दी जल्दी बताओ तो, मास बाय इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब आपका मास क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो मास को हम लोग क्या से लिखते हैं, मास को हम लोग केजी से लिख सकते हैं, kg into acceleration का अभी सीखे थे। acceleration का क्या फॉर्मूला होता है बताओ तो, acceleration का क्या फॉर्मूला होता है, मीटर और पूरा का मीटर प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम लोग न्यूटन भी लिखते हैं, इसको हम लोग न्यूटन, इसको हम लोग न्यूटन भी पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूटन भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी न्यूटन न्यूटन नहीं देखना है। अब इसमें लिख लो m बराबर क्या हो गया, m बराबर एक हो गया है ना, तो m खाली m में रहने दो, m पर पावर वन। L बराबर क्या हो गया, L पे पावर वन और T पर पावर माइनस टू, ये हो गया आपका। तो M1 हटा दो, L1 हटा दो, ML T पर पावर माइनस टू, ये आपका होता है फोर्स का। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ML पावर T पे पावर माइनस टू। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर कर देते हैं इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स का रिपीट होता है सेमेस्टर वन में क्वेश्चन, फोर्स का है। आप लोग डायमेंशन बताइए, एम एल टी पर पावर माइनस टू, ये होता है। ठीक है, ये याद भी आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो हम तो बता दिए कैसे निकलता है। ठीक है, चलो फोर्स का निकल गया, फोर्स का क्या आया, एम एल टी पर पावर माइनस वन बटा एरिया का क्या होगा, एरिया को हम लोग क्या से लिख सकते हैं, मीटर में लिख सकते हैं, जिसको मीटर क्यूब कहते हैं, कहते हैं ना जी, मीटर क्यूब कहते हैं, मीटर क्यूब कहते हैं। तो क्या हो गया, एम एल पर पावर थ्री क्यूब टी पर पावर माइनस वन, ये हो गया आपका किसका, ये हो गया आपका प्रेशर का, प्रेशर का हो गया। चल क्लियर है, उम्मीद है कि आप लोग क्लियर होगा, दो सेकंड में निकालना सीख जाओगे बाबू। ठीक है, अब सरफेस टेंशन दो को हट गया, इंपल्स और सरफेस टेंशन बचा। ठीक है, इसको इरेज करके करते हैं, सरफेस टेंशन बचा, एक मिनट इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सबर कर लो, सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन पृष्ठीय तनाव। तो सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, बताइए जल्दी जल्दी, सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी जल्दी बताइए, फिर हम आपको देखते हैं। तो क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम एल टी पे पावर, अभी बोले याद भी कर सकते हो, पावर माइनस टू, लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। तो क्या हो जाएगा, एम पे में रह जाएगा, एल ऊपर एगो मीटर जाएगा, तो एल पर पावर माइनस वन, टी पे पावर माइनस टू, हो गया, ये हो गया आपका सरफेस टेंशन का, पृष्ठीय तनाव का। तो आप लोग एक चीज याद रखना, फोर्स का याद रखना, इसके मदद से बहुत चीज का आपका निकल सकता है डायमेंशन। ठीक है,
इसके मदद से बहुत चीज का डायमेंशन निकल सकता है। तो देखो डायमेंशन में लगभग आपको अब आउट्रो आप लोग को दे दें, लगभग आपका 30 क्वेश्चन प्लस उसका आंसर सहित 30 से पल से रहेगा। कितना है टोटल पीडीएफ में? 40 ठो है, ठीक है, 40 ठो आपका है, आपका रहेगा, ठीक है, जिसका पीडीएफ 40 ठो, 40 क्वेश्चन प्लस उसका आंसर, ठीक है, आंसर आपको हम लोग करवा, पीडीएफ आपका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कुंदन स्टडी, नहीं तो आप लोग हमको इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, ठीक है, नंबर आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको हम बता देंगे। 40 क्वेश्चन इसका लिंक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, नहीं तो ये नंबर डायरेक्ट ले लो, 91-42-23-16-9142-26-23-16 इस पे कॉल करोगे, हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ देंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन 40 से बाहर नहीं आएगा। अगर आपका फर्स्ट सेम का एग्जाम भी होता है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी होता है, तो जान जाइए इफ 40 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, इफ 40 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलो हमको उम्मीद है कि आप लोग डायमेंशन निकालना, बीमा निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1, एक लेक्चर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिस चैप्टर का नाम था यूनिट एंड डायमेंशन आपका हम निकालने के लिए, बहुत छोटा चैप्टर था, चाहते तो एक दिन में खींच देते, लेकिन हमको खींचना नहीं है समझाना है, ठीक है, हमको खींचना नहीं है समझाना है, वही कारण यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हुआ 2 लेक्चर में। अब इसके बाद अगले लेक्चर हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे, चाहे आपका मैथ का कॉम्प्लेक्स नंबर हो या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, सब का लेक्चर हम का वीडियो हम अपलोड करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।